हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली सुबह हो चुकी है, तो ये जो भी उठ चुका है और ये आइश हो रहा है मेरे को लाना लाना सब कुछ रॉक्सी भी उठ चुकी है जी। रात को मतलब नींद तो अच्छी आई, लेकिन मैं मौसम का कुछ पता नहीं। हवा हमने कल टेंट का सेटअप जो है हमने ऐसा किया हुआ था, हम दिखाते हैं आपको कि हमने टेंट यहाँ पे लगाए हुए थे बिल्कुल कैलाश कुंड के सामने। पर इससे एक दिक्कत आने लगी कि वहाँ से जो हवा आ रही स्ट्रेट हमारे फेस पे, मतलब हमारे टेंट पे जोर से आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। क्या करेंगे, ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, हाँ ये मंदिर है, मंदिर की हम बैक साइड यहाँ पे लगाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी से अपने हाथ मुँह सर वगैरह धोया है, नहाया नहीं गया फिलहाल, अभी नहाएंगे हम बाद में। कैलाश कुंड दिखाता हूँ अभी आपको एक बार कैसा दिख रहा है। अब कैलाश कुंड तक चलें ज़रा, कैलाश कुंड का देखिए ज़रा सीन हो भाई। यहाँ पे इतनी ठंडी हवा है ना भाई, मगर आप सोच भी नहीं सकते। और मतलब इस टाइम पे सारे बंदे यहाँ पे पहुँच नहीं पाते, कोई भी नहीं है फिलहाल अभी यहाँ पे हमारे अलावा। लेकिन भाई यहाँ पे पहुँचने के लिए ना भाई इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरी आवाज़ पता नहीं आ भी रही होगी कि नहीं आ रही होगी, हवा की आवाज़ सुनिए भाई। ये पानी पता है इतना डरावना लगता है ना यार। और ये जो मंदिर है ना भाई, मंदिर अभी लॉक होता है, इसके जो डोर हैं सारे प्रॉपर वेल्ड किए हुए हैं, ये अब जब यात्रा स्टार्ट होगी तभी खुलते हैं ये। तो हम जब जैसे ही यहाँ पे पहुँचे हमको कोई शेल्टर ही नहीं मिला, बारिश हो रही थी, तो हमने यहाँ पे ऐसे पहले अपना कैंप लगाया, उसके बाद हमने वहाँ पे शिफ्ट किया। तो अब हम दोबारा शिफ्ट करने वाले हैं, तो अभी हम हलवा शलवा बनाएंगे, तो भगवान शिवान को चढ़ाएंगे अपना आराम से, उसके बाद हम अपना खाना शाना खा के हाँ नहाएंगे, देखेंगे बाद में अगर धूप शूप निकाली भगवान ने तो ठीक, नहीं तो उसके बाद फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई ये तो आ गया कैलाश नज़ारा, अब हम दिखाते हैं अपने हाथ मुँह सर कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ठंडे का नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है अभी आपको वाली जगह लेके चलते हैं। ये देखो भाई, हाँ हाँ चलो आगे आगे क्रॉस करो ना। भाई मैं गया था भाई, ये देखिए भाई ये है हमारी प्लेस जहाँ से हम पीने के लिए पानी लाते हैं और हाथ मुँह धोते हैं यहाँ पे। तो ये तो भाई अभी यहाँ पे रुकेंगे, हाथ मुँह शुद्ध धोएंगे, उसके बाद ये दोनों जाएंगे लकड़ियाँ लाने सूखी, ताकि हमको आग जलाने में परेशानी ना हो, हम आग जलाएंगे आज। तो अब मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ वापस क्योंकि हमको टेंट शिफ्ट करने हैं। मैं उसको प्लेस दिखाना चाहता क्योंकि सुबह फ़ोन लेके नहीं आया था, यहाँ पे बैटरी क्योंकि बहुत कम है। तो अभी हम चलते हैं टेंट सीधा शिफ्ट करके दिखाएंगे। अब हम टेंट को सिंपली हमको यहाँ से लास्ट कॉर्नर में शिफ्ट करने हैं मंदिर के बैक साइड में। सुमित ने और मोहित ने लकड़ियाँ देखो ला ली पूरी, हाँ अब यहाँ पे आग जलाने का हम देखो प्रॉपर एक सर्कल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पीछे हमारे टेंट होंगे दोनों, और ठीक है और एक साइड कुकिंग हो रही है, तो मैं कुकिंग का प्रोसेस भी अभी आपको दिखाता हूँ। भाई टेंट खोलो, मैं अंदर आ रहा हूँ। ये देखिए जय बोले जय बोले जय बोले। तो भाई अपने लगे प्रॉपर हलवा बनाने, अभी ये भोलेनाथ को चढ़ेगा। तो ये वाले टेंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं, निकल गए आयुष भी बाहर। बाबा निकलो अंदर से, बाबा सामान अब पकड़ाते रहो और बाहर कुछ करते रहेंगे हम। भोलेनाथ ने एकदम क्लियर कर दिया सारा, यहाँ पे कितना क्लियर एसटी में दिख रहा है। तो भाई अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबा बताओ। आग जलाने के लिए पेट्रोल या डीजल कुछ भी मिल जाए, तो यहाँ ऊपर एक जनरेटर है पड़ा हुआ, मे बी उसके अंदर हमको मिल जाए डीजल या पेट्रोल, डीजल ही डलता है वैसे। तो अगर हमको मिल गया तो भाई वेल एंड गुड, नहीं तो देखेंगे कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइटर माचिस वगैरह भाई भूल जाओ भूल जाओ भाई, लाइटर जलेंगे ना माचिस जलेंगी। ये देखिए हम बिल्कुल कैलाश कुंड के साथ में, और यहाँ का पानी उफ, हाथ नहीं लगाना भाई गलती से भी, इतना ठंडा है भाई। तो चलते हैं सामने डीजल के उसके पास, जनरेटर के पास। ये देखिए हमारे नंदी पेड़, अरे हमारा शिवलिंग, क्या लिखा है यहाँ पे 2011, बाकी पता नहीं। अभी हम चलते हैं डीजल लाने जल्दी से जल्दी, लकड़ियाँ यहाँ पे और भी पड़ी हुई हैं। अभी शेड्स वगैरह देखो ये अभी बिल्कुल ऐसे होते हैं,
जब यात्रा आने वाली होती तब के लिए ये रेडी हो जाते हैं। भाई ये देखो कहाँ अंदर घुस रहे हैं ये लोग। भाई हमको अंदर पेट्रोल दिख चुका है। ये देखिए भाई जनरेटर, ये देखो पेट्रोल बिल्कुल है। Finally bro, we got diesel. Five people गई bro. हमको भी देखना है। ये रहा हमारा पेट्रोल। आप लोग देख रहे हैं हम सारे लोग यहाँ पे कैसा सर्वाइवल कर रहे हैं भाई। बट बाबा ऐसी सिचुएशन में हम और कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो अब ये रॉक्सी बहुत ज्यादा अब खुश है यहाँ पे। अब हम चलते हैं वापस अपनी जगह पे। आग छग लगा के टेंशन कर देते हैं सेटअप में। तो टेंट के नीचे हम ऐसे कर रहे हैं, टीन लगा रहे हैं ताकि पानी वगैरह बारिश पड़े तो हम नीचे गीले ना हो। उधर भी सेम ये किया था, एक टेंट हमने हटा लिया, यहाँ पे लाया, इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस करेंगे, फिर उसका सेकंड टेंट लाएंगे हम। हमारा हलवा शलवा रेडी हो चुका है जितने देर में हम टेंट लगा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं चढ़ाने। दिखाओ जरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जय भोलेनाथ। रॉक्सी आ जा, जय महादेव। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। वासुकी नाग महाराज की जय। 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 ठीक है चलो भाई, बारी बारी सारे चढ़ाओ। तो भाई सारे लोग अब यहाँ पे जा रहे हैं भगवान को भोग लगाने। पौड़ियों से चढ़ के जाना है नंदी बेल महाराज जी यहाँ पे। पूजा पाठ करके वापस आ गए हैं हम। नहीं, हम दो ही बंदे, तीन बंदे सॉरी। तो बाकी लोगों में फोटो शूट करवा रहे हैं। तो आयुष भाई ने तब तक टेंट भी हमारा सेट होके रिपोर्ट कर दिया। बढ़िया हो गया। ए रॉक्सी दूसरे टेंट का क्या सीन लगाना है वो अभी की नहीं? हाँ वही, हम सामान डाल देते हैं अब अंदर। तो खाना शाना फिर अब करते हैं हम साथ, आग शाग भी लगा देते हैं। तो भाई फाइनली हमारी आग जो लग चुकी है, लकड़ियाँ सुखा दो यार। अब इसमें और लकड़ियाँ डालते रहेंगे और इस आग को अब बुझने नहीं देना हमने, सीधी बात। और टेंट दोनों हो चुके हैं ट्रांसफर, एक टेंट इधर एक टेंट इधर। और खाना चाय शाय सारा रेडी हो रहा है तो करते हैं जल्दी से अब। तो भाई ये देखिए यहाँ पे सारे अपने गीले कपड़े सुखा रहे हैं अब आग के पास। सुखाओ सुखाओ अच्छे से। स्लो मो बनाए, मर्ची भी टोकी में फ्लेवर आ जाएगा। भाई अभी बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी तो हमें ये आग जो बड़ी मुश्किल से जली थी। हमने आग के लिए ये शेड तैयार कर लिया है। ये देखो भाई एकदम मस्त अंदर आग जल रही है। वही लकड़ियाँ हमने सूखी यहाँ पे रख दी हैं। अभी हम चाय शाय अपना पियेंगे। अभी हम खा रहे हैं फुल बढ़िया और साथ में चाय आग के साथ। और बाकी लोग कुछ लोग टेंट में। अभी जो हो रहा है अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। और भाई अभी खाना शाना अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी भी हो रहा है। तो अभी हम बंदा रील्स बना रहा है। हाँ वहाँ एक बंदा रील्स बना रहा है, हम भी रील्स बना रहे हैं। भाई अब हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं अभी क्या ही कतई जहर व्यू हो रहा है यहाँ का। ठीक है फिलहाल तो ये देखो आप, ये पीछे कैलाश कुंड ऐसा। अब भाई इस साइड आके देखना भाई, टोटली चेंज्ड ब्रो। बाबा यार व्यू क्या लग रहा है, वो नीचे लेक देख रहे हो क्या लग रही है? लेक देख रहे हो बाबा यार, और इस पहाड़ पे देखिए थोड़ी थोड़ी वो धूप। तो भाई अभी जो है शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और ये सारे लोग देखना कहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए भाई व्यू देखिए आप, मतलब कितना ही प्यारा व्यू है भाई। ऐसा व्यू कहाँ देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। धुंध आनी स्टार्ट हो चुकी है तो अब ठंड जो बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो अब सारी धुंध कवर कर देगी पूरा यहाँ पे। भाई ये हमारा खाना जो है ये अभी तैयार हो रहा है। हमने बनाया है मिक्स वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल सब ने बनाया भाई, हम सब ने मिल के। हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुमित भैया पीछे, मोहित भैया और मैं भी हूँ। मैं खुद को दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत कंजेस्टेड जगह है और ये आग शाग प्रॉपर चली हुई है।
भाई हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और हमारी निकलने की तैयारी है, बट अभी बारिश हो रही है तो हाथ में हमने धो लिया, आग शक जला लिया। अभी हम सूप पी रहे हैं सारे, सूप के साथ हमारे ये पापड़ चल रहे हैं, तो अब बस ये खा पी के बाबरची हमारा यश और मैं भी हम बाबा साथ में, तो अभी हम बस कुछ टाइम के बाद निकल जाएंगे, खाना शाना खा के अपना सामान शामान पैक करके सीधा नीचे रोड पे पहुंच जाएंगे हम। तो अगर देगी बारिश पहुंच रहे तो हम फिर भी जाएंगे, हम फिर भी जाएंगे, आज जाना है भाई। भाई फाइनली अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, तो अभी हम कुंड में स्नान करेंगे एक, उसके बाद हम सारे यहाँ से निकल जाएंगे। हमने कर लिया है, हम करने वाले हैं। तो भाई फाइनली हम नहा धो के आ चुके हैं भाई, ये भाई भी कपड़े लगा रहा है, पीछे दिख रहा है भाई क्या हुआ, क्या था भाई, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी था, तीन डुबकियां मारी, पहले डुबकी में तो पानी छोड़ दिए, राड मारा, गर्मी पानी था यार, हां गर्म पानी था, जा फिर से हीटर लगाया था, हीटर बाबा हीटर लगा दिया। तो हम चलते हैं वापस और करते हैं सामान शामान पैक और गुच्चो जाते हैं अब यार। भाई हमारा सारा जो है सामान पैकअप हो चुका है, और ये रॉक्सी को देखिए इधर से निकालना, रॉक्सी को हमने पैक कर लिया एकदम, ये ले बांध, तो हम निकलते हैं सारे लोग अब यहाँ से सामान शामान लेके। फाइनली हम क्लाश कुंड से निकल चुके हैं वापस, हम जा रहे हैं वापस, हम यहाँ नीचे ना ये पत्थरों से आए हैं हम जितने भी ये, तो अब चलते हैं हम वापस, बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता है भाई यहाँ का, कमज़ोर दिल वाले ना आए और जिसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम वो भी ना। हम वापस जा रहे हैं रास्ते में, हमने आधा रास्ता जो कवर कर लिया है, बट हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, अभी शायद से हमको दो घंटे और लग जाएँ। यहाँ पे सब कुछ ठीक है लेकिन यार यहाँ रास्ते में ना बहुत ही ज़्यादा फिसलन है, तो आप यहाँ से अगर स्लिप होके नीचे गए तो भाई कोई ढूंढने वाला नहीं है, तो इसीलिए अपना सावधानी से अच्छे शूज़ लेके आए, ग्रिप वाले वाटरप्रूफ, ऐसे ना आए यहाँ पे। तो हम चल रहे हैं अब नीचे, बस कुछ ही टाइम में हम पहुँच जाएंगे, मिलते हैं नीचे यार गाड़ी के पास। कि हम पहुँच चुके हैं नीचे जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ पार्क हुई थी अभी कुछ टाइम पहले पहुँचे, लेकिन हमारे फ़ोन में जो थी बैटरी नहीं थी, तो अभी चार्ज करके हम शूट कर रहे हैं, और मैं और यशु थे वो रास्ता भटक गए थे, हम सबसे आगे आगे चल रहे हैं, लेकिन रास्ता जो था ये वाला था, लेकिन हम आए हैं वो जंगल दिख रहे हैं आपको ऊपर, हम उन जंगलों में से आए हुए हैं, हाँ जहाँ पे भालू होते हैं, और हम एकदम बूटियाँ ही बूटियाँ थी वहाँ पे, मतलब एकदम स्लिप करते 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 पेड़ पकड़ते पकड़ते हम आए हैं, तो फाइनली सारे लोग आ गए हैं सेफ आ गए। और हमको ये भी सुनने मिला कि कहीं जगह पे बादल फटे हैं, तो यहाँ पे जो आर्मी वाले थे वो अभी हमको पूछ रहे थे, हमें 5 दिन हो गए घर हाँ। से बाहर, हमें बाहर कोई खबर ही नहीं, और बिल्कुल दो बादल फट गए हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, हमें कोई आइडिया नहीं है बाहर का क्या हो रहा है, बराबर देखेंगे कि क्या चल रहा है। और आर्मी वाले को टेंशन हो गई थी कि कहाँ पे जाने वाले थे, हाँ उनने आज रेस्क्यू टीम भेजनी थी ऊपर, लेकिन हम ऊपर सही सलामत रहे, एकदम सेफ रहे। और यहाँ का भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, रास्ते में मौसम जो था बारिश ही बारिश थी, स्लिपी स्लिप था, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए भाई यहाँ पे चेक पोस्ट है, कतई जहर भी हो। और ये जो है आर्मी वाले यहाँ पे देखो, ये जो पीछे चेक पोस्ट है इनकी, बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो अब हम निकलेंगे सीधा घर के लिए, सारे पैक शेक हो गए, कपड़े शपड़े हमने चेंज कर लिए। और ये भी बता दो हमारा फोन गुम हो गया, हाँ इस भाई का फोन पता नहीं कहा है अभी तक, नहीं पता, अब ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो ये सारे छोटे होना चाहिए, तो हमारे फोन नहीं गुम हुए, चलो कोई नहीं गुम हुए, अभी मे भी जब हम सामान जो है अनबॉक्स करें अनपैक करें सामान उस टाइम पे हमको मिल जाए, तब तक देखते हैं भाई रास्ते के व्यूज तो जरूर दिखाएंगे, ऊपर तो अगर इधर होगा किसी के बैग में तो मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो देखेंगे मिला किसी को, सबको तो ठीक नहीं मिला, तो भगवान भरोसे, तो चलते हैं वापस घर की तरफ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं डोडा, लेकिन हम पहले पहुंच गए, मैं ये अपने दो भाई और हम पहले पहुंच गए,
और आयुष का वेट कर रहे हैं, वो पता नहीं कब तक आएगा। तो देखते हैं, घर से जाके सामान शमान डिवाइड कर लेंगे जिसका जितना हाथ, तो उसके बाद निकलेंगे घर को, नहा धो के सो जाएंगे, बहुत थक गए हैं यार। और नेक्स्ट ट्रिप हम जल्दी सोचेंगे और नेक्स्ट ट्रिप का भी जल्दी सोचेंगे कहाँ जाना है हमने।